हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मर्जिया क्या कहेंगे, आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। हम लोग जैसे टाइम टू टाइम कुछ न्यू और यूनिक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक बैडमिंटन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो 12th और 13th नवंबर को रहेगा। उनके चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब और अशरफ शाम पठान साहब। 12 और 13 तारीख को ये प्रोग्राम है, दोपहर के शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे के दरमियान ये अमृत नगर दरगाह रोड पर होगा इंशाल्लाह। तो इसमें 3 ग्रुप्स हैं। एक फर्स्ट ग्रुप है मिस्टर एंड मिसेस, ये एक न्यू चीज है जो हस्बैंड वाइफ वर्सेस हस्बैंड वाइफ बैडमिंटन खेले। सेकंड ग्रुप है 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के दरमियान की लड़कियाँ, ओनली गर्ल्स। और थर्ड ग्रुप है ओपन फॉर ऑल, मतलब कोई भी उम्र की लेडीज उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड हर ग्रुप के फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज है। फर्स्ट प्राइज को है फ्रिज एंड 1100 रुपये मेडल प्लस सर्टिफिकेट। सेकेंड प्राइज को है जूसर प्लस 3100 रुपये मेडल प्लस सर्टिफिकेट। थर्ड प्राइज को है जूसर प्लस 1100 रुपये मेडल प्लस सर्टिफिकेट। उसके अलावा टॉप 12 भी हैं जिनको 1100 रुपये है मेडल एंड सर्टिफिकेट। कितने तारीख का ये है प्रोग्राम? 12 और 13 नवंबर। इसका रजिस्ट्रेशन कब से चालू और कहाँ पर होगा? इसका रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस पर ही चालू है, आप लोग आइए, फॉर्म इसके भरिए और बस जनरल चीज़ें पूछी गई है वो आपको फिल करिए। डॉक्यूमेंट्स कुछ लगेंगे रजिस्ट्रेशन? नहीं, बस बच्चों के लेडीज के जो है आधार कार्ड सिर्फ लगेंगे, जिस बेसिक एड्रेस के लिए, बेसिक नाम के लिए, प्रॉपर नेम। कहाँ पर होगा ये? होगा अमृत नगर में। हम लोग ने मेन दरगाह गेट पे ही रखा है। इसका बहुत अच्छा आयोजन किया है, कुछ यूनिक लाना चाहते थे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो टाइम टू टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कुछ यूनिक चीज़ें लाने की, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो एक टीनेज ग्रुप है और जो गर्ल्स हैं या एक यूथ है, वो हमारे से इंटरेक्टेड रहे पूरा टाइम, और उनको कुछ यू नो करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और वो हमसे जुड़े रहे। जो यूनिक कॉन्सेप्ट लाया है मियाँ और बीबी का, वो कैसा ध्यान है? बस कि मतलब कुछ यूनिक करना था, तो काफ़ी एक्चुअली हमको काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी वैकेशन का टाइम चल रहा है ना, तो उसमें कुछ कीजिए ताकि हम लोग इन्वॉल्व हो सके, हमको कुछ अच्छा कॉम्पिटिशन रखे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ रखे। तो हस्बैंड वाइफ भी बहुत ऐसे हैं मुमरा में जो अच्छा स्पोर्ट्स में जिनका बहुत ध्यान है, वो बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हैं, तो उनकी भी बारे में हमने सोचा। उसके लिए हम लोग घरेलू महिलाओं के लिए भी कुछ, उनके घर के काम काज से हट के कुछ नया। जी जी जी। और हस्बैंड वाइफ रखा है इसलिए ताकि कुछ दूसरे मामला ना रहे, हस्बैंड वाइफ आपस में, दो हस्बैंड वाइफ से अपोजिट खेले। आप लोग तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के रिलेटेड ताल्लुकात है, तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा आइए और अच्छे से रजिस्टर कीजिए और बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग ने आयोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी हम लोग ने उसके अंदर सारी चीज़ें रखने की कोशिश की है, अरेंजमेंट्स रखने की कोशिश की है, तो आप लोग सब आइए, बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे हम टाइम टू टाइम आपका कोऑपरेशन देखते हुए और अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। मैडम, शहर में हमेशा क्रिकेट की ज़्यादातर टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं और जो लड़के ज़्यादा जिसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन भी गर्ल्स स्पोर्ट्स के लिए भी एक ये पहली शुरुआत आपने की। जी जी जी। तो कैसा होता है कि मुंबई 90% हमारा मुस्लिम इलाका है, जो आपका पोस्टर उसमें माशाल्लाह स्कार्फ पहनकर एक लड़की बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई गई है, तो एक अच्छा मैसेज है कि इस तरीके से भी ये स्पोर्ट्स हो सकते हैं और महिलाओं के लिए आपने खास सहूलत रखी है, तो क्या मैसेज देंगे ऐसे पेरेंट्स को तो थोड़ा इसके चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर? नहीं, बैडमिंटन तो मेरे ख्याल से बहुत फन गेम है, बहुत अच्छा है, गर्ल्स बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं। मुझे खुद खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है बैडमिंटन रैकेट, तो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, तो मैं खुद बहुत अच्छा खेलती हूँ, सो इंशाल्लाह होपफुली मैं भी उस दिन खेलूँगी किसी के साथ। तो आप गर्ल्स जो है जो बहुत खुश कोशिश रखती हैं, बहुत इसमें अच्छी हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और पेरेंट्स से उसमें बस यही कहना कि हम लोगों ने गर्ल्स रखा है तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे, बस हस्बैंड वाइफ पे, बाकी तो गर्ल्स ही गर्ल्स के सामने खेलेंगी, तो उसमें कोई हिचकिचाने वाली बात ही नहीं रहती।